मंदिरों के शहर नाम से प्रसिद्ध जागेश्वर भारत के उत्तराखंड राज्य का एक खूबसूरत नगर है जो अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह धार्मिक स्थल 100 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिरों का घर है और इस कारण से इसे जागेश्वर घाटी मंदिर या जागेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा अद्भुत स्थल है जहां 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के आकर्षक वास्तुकला से निर्मित मंदिर देखने को मिलते हैं। यहां कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिनका संबंध 20वीं शताब्दी से है। इन मंदिरों का निर्माण उत्तरी और मध्य भारतीय शैली में किया गया है। यहां के प्राचीन मंदिर भगवान शिव के अलावा भगवान विष्णु और मां दुर्गा को भी समर्पित हैं। जागेश्वर शैव परंपरा का एक पवित्र स्थान है। ये स्थल कई खूबसूरत मंदिरों का संग्रह स्थल है जिसमें दंडेश्वर मंदिर, चंडी का मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी, नवग्रह मंदिर, पिरामिड मंदिर और सूर्य मंदिर शामिल है। जागेश्वर में मौजूद प्राचीन मंदिरों के समूह काफी हद तक भारत के विभिन्न राज्यों के मंदिर से मेल खाते हैं। जागेश्वर मंदिरों के वास्तुकला को देखकर ऐसा लगता है कि इनका इस्तेमाल पूजा के लिए नहीं किया जाता होगा, क्योंकि अधिकांश मंदिरों के गर्भगृह अपेक्षाकृत इतने छोटे हैं जहां एक पुजारी भी नहीं बैठ सकता। जागेश्वर के मंदिरों का इतिहास अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की माने तो यहाँ कुछ मंदिर गुप्त काल के बाद और कुछ मंदिर दूसरी शताब्दी के बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर कत्यूरी या चांद राजवंश के दौरान के हो सकते हैं, लेकिन इन तथ्यों को बल देने के लिए पुख्ता जानकारी या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। श्रावण मास के दौरान यहाँ जागेश्वर मॉनसून फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से पर्यटक और श्रद्धालुओं का आगमन होता है। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ शिव भक्तों का भारी जमावड़ा लगता है। इस स्थल को लेकर ये भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं। जागेश्वर उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है जहां आप परिवहन के तीनों साधनों की मदद से पहुंच सकते हैं। यहां का निकटतम हवाई अड्डा पंत नगर और देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। रेल मार्ग के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां सड़क मार्गों से भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि बेहतर सड़क मार्गों से जागेश्वर राज्य के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।